सो हेलो एंड वेलकम, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमालयन वॉचर में। तो आज हैं हम यहाँ जंजैली में, और अभी हूँ मैं यहाँ देव नारायण जी के मंदिर में। खेतों में यहाँ पर गोभी है और सेब के पेड़ हैं, और उसके साथ ये देव नारायण का मंदिर बहुत ही सुंदर एवं भव्य मंदिर है। देव नारायण जी पंडित शिवरात्रि में भी आते हैं, और इस बार हमने आपको दर्शन भी कराए थे उनके। और ये है जंजैली में उनका बहुत ही भव्य एवं विशाल और बड़ा बहुत ही सुंदर मंदिर। अभी देवरथ को तैयार किया जा रहा है, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर धुन यहाँ पर देव के भजंत्रियों के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर नक्काशी हुई है मंदिर में। और इसके मुख्य द्वार में भी बहुत ही सुंदर नक्काशी हुई है। भगवान विष्णु जी की चतुर्भुज की मूर्ति बनाई गई है, चतुर्भुज अवतार की। और दूसरी तरफ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी को दर्शाया है, और ये है मंदिर अंदर से। बहुत ही सुंदर ये भवन है, और देख सकते हैं लकड़ी पर हुई नक्काशी बहुत सुंदर है। इसकी छत भी काफी सुंदर है। जय देव नारायण। जय देव नारायण। और यहाँ ऊपर है तुंगासी महादेव जी का मंदिर, और इस साइड अष्टा धार, और यहाँ पर एक बहुत ही पुराना घर है। और बाकी जगह यहाँ पर बहुत ही नए नए घर बने हुए हैं जो बहुत सुंदर हैं, और अच्छी हाइट है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर वातावरण बिल्कुल शुद्ध है। देवदार के वृक्ष तरह की फैसिलिटियां आपको यहां पर मिलती हैं। जंजैली बहुत ही सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। और मंदिर की छत पर देवता के रथ का सामान रखा जाता है, और यहीं पर ही देवता के रथ को तैयार किया जाता है। ये हमारे साथ यहाँ पर है धर्मेंद्र शर्मा जी, और ये यहाँ पर बता रहे हैं तुंगासीगढ़ के बारे में। तो यहाँ बिल्कुल पहाड़ी के ऊंचे शिखर पर है तुंगासीगढ़। यहाँ पर अंकल जी और यहाँ पर राजाओं का गढ़ हुआ करता था, और कई बार राजा सजा के तौर पर यहाँ से आदमी को और घाटी में यहाँ पर सजा दी जाती थी। तो ये बहुत ही टफ स्थान है, ऊपर मुश्किल है। और उसी के साथ इसी साइड है तुंगासी धार, और पहले हाँ जी तुंगला धार ना, हाँ जी। और यहाँ पर पहले देवता का मंदिर हुआ करता था, तो अभी इसे उखाड़ दिया गया है, और यहाँ पर नए सिरे से मंदिर का काम शुरू किया जा रहा है। और यहाँ पर ये खूंटिया और इनकी खनखन की आवाज़ बहुत ही सुंदर होती है। और ये छत पे देख सकते हैं आप लकड़ी की क्राफ्टिंग कितनी सुंदर हुई है, और बहुत ही सुंदर है यहाँ पर ये मंदिर। ये दूसरी, और सामने है माता जालपा का मंदिर। और अभी देवता के रथ को तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। काफी सुंदर गांव है यहाँ पर। ये है देवनारायण जी का
हैं कि देवता को उठाने का तरीका थोड़ा अलग है, जो हमारे चौहार घाटी के देवता है, आराध्य देवता है, उनसे थोड़ा अलग। इसे पीछे भी दो आदमी उठा रहे हैं और आगे भी। ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग एक जंजाली में देव नारायण जी के मंदिर का, और इन्हें माना जाता है यहाँ पर भगवान विष्णु का अवतार। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हिमालयन वॉचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।